इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी शो वैल्यूज एज कि हम पिवट टेबल में शो वैल्यूज एज का फंक्शन कैसे यूज करते हैं। देखिए ये पिवट टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ बना लिया है, एक दफा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। ये बहुत ज्यादा नंबर बड़े होते हैं, बिलियंस में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। राइट क्लिक कर लें, नंबर फॉर्मेट पे जाएं और यहाँ से आपने करेंसी को क्लिक करना है, डेसिमल प्लेसेस हमें नहीं चाहिए, ओके कर दें। कितना इजीली इसकी फॉर्मेटिंग हो गई, राइट। अब अगर सपोज मैं एक सेम कॉलम को यहाँ दोबारा लाना चाहती हूँ तो आपके यहाँ क्या करना होगा, ग्रॉस रेवेन्यू को आप यहाँ से प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ ले आएंगे। अगर सपोज कोई आपसे ये कहे कि हमें परसेंटेज में इसका इसको हमें शो करना है कि कितने परसेंट एक्शन मूवीज हैं, कितने परसेंट एडवेंचर मूवी हैं एंड सो ऑन, तो हम शो वैल्यूज एज फंक्शन यूज करेंगे। इस कॉलम पे आपने अप्लाई करना है, राइट क्लिक कर दीजिए, इसके बाद आपने शो वैल्यूज एज, तो यहाँ पे देखें आपको नजर आएगा इस वक्त नो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसलिए टिक मार्क है। ग्रैंड टोटल है, कॉलम टोटल है, रो टोटल है। इस वक्त अगर आप ग्रैंड टोटल भी करेंगे या कॉलम टोटल भी करेंगे इसका सेम ही आंसर आएगा। मैं करके दिखा देती हूँ, ये देखें, इट मीन्स के इसको जो है मैं यहाँ ड्रॉप कर देती हूँ, इट मीन्स के हमारे पास अब 36.47% एक्शन मूवीज हैं। जितनी भी एक्शन मूवीज हैं, जितने भी कंट्रीज की, उसपे 36.47% ये है, 16.64% ये है, सिमिलरली एनिमेशन एंड सो ऑन। लेकिन एक बात याद रहे कि ये देखें कंट्री है, अगर मैं इसमें फिल्टर कर देती हूँ, मैं कहती हूँ सिर्फ मुझे तो कनाडा की चाहिए कंट्रीज और जितनी भी उसमें मूवीज हैं कलर मूवीज चाहिए और ओके कर दिया, इस वक्त ये बताएगा कि कनाडा में जितनी भी कलर मूवीज हैं एक्शन मूवीज उसका ग्रॉस रेवेन्यू 43.4% है, एडवेंचर का 16.75% है। कभी गलती से जल्दी में आप जरूर ये देख लीजिए, ऐसा ना हो कि फिल्टर लगा हो और आप अपने ऑडियंस को बता रहे हैं कि ये 43 है, तो आपने फिल्टर को क्लियर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर गलती हो जाती है, कैसे क्लियर होगा, यहाँ से भी जाके क्लियर हो सकता है। आप पिवट टेबल एनालाइज पे जाएं और यहाँ पे आप क्लियर को ऑप्शन देखें, क्लियर फिल्टर कर दें, आपके पास अब ये फिल्टर क्लियर हो गया। अब आप कह सकते हैं कि जितनी भी मूवीज हैं आपके पास एक्शन मूवीज, जितने भी कंट्रीज हैं उसका रेवेन्यू परसेंटेज में ये है, 16.64 एडवेंचर है एंड सो ऑन। अब देखिए इस पूरे टोटल का ये परसेंटेज है, इसका यहाँ पे 100% होना चाहिए, राइट। उसके लिए आपने क्या करना है, कैसे मालूम हो कि ये कॉलम हमारा 100% है या नहीं है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने डिजाइन टैब को क्लिक करना है। एक दफा और बता देती हूँ कि पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन टैब कब आते हैं, अगर ये आपने पिवट टेबल पे सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगी तो ये नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं परेशान होना कि हमारे पास तो वो दो टैब ही नहीं है, आपने इस पे क्लिक करना है जो आपने पिवट टेबल बनाया है, उस वक्त ये अपियर होंगे। तो हमने क्या करना होगा, डिजाइन टैब पे क्लिक कर लीजिए, ग्रैंड टोटल इसको आपने ओपन करना है, इस वक्त ये ऑफ है, रोज और कॉलम्स का टोटल ऑफ हुआ हुआ है, इसलिए आपने इसको ऑन करना है। आप जैसे ही ऑन करेंगे आप देखेंगे ये 100% हो गया आपका, राइट। अगर इसी चीज को हमने रो वाइज दिखाना है कि एक्शन मूवीज 36% है और एडवेंचर ये है, तो क्या होगा, ये जॉनरा रोज पे है, इसको हमने यहाँ, आप इसको यहाँ कर दें कॉलम पे, आपके पास ये आ जाएगा, इस तरह ये सारे कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पे ये 100% है, आपने इसको राइट क्लिक करना है, शो वैल्यूज एज, अब हम रो की बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, आप इसको रो कर लें, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देती हूँ। तो अब आप देखेंगे, इसको मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, बोल्ड भी मैंने इसलिए किया है ताकि आप इजीली देख सकें, और आपके पास यहाँ 100% आ गया, राइट। अब इस पे क्या करते हैं हम, ये हमारे पास जॉनरा है, ताकि आपको और क्लियर नजर आ जाए, इसमें मैं फिल्टर लगा लेती हूँ, राइट। सिलेक्ट ऑल के बजाय हम एक्शन एडवेंचर हम कुछ इसमें से ले लेते हैं, आप चाहें तो सब भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको क्लियर एक स्क्रीन पे नजर आ जाए, मैंने ये कर लिया। अब क्या है, अब हम, मैं कहती हूँ देखें, अब ये मेरा फील्ड गुम हो गई, यहाँ से नहीं नजर आ रही, डिसअपियर हो गई, कोई बात नहीं, राइट क्लिक करें, शो फील्ड लिस्ट, ये आ जाएगी आपके पास। अब हम सारे कंट्रीज का देखना चाहते हैं, तो कंट्रीज को आप यहाँ रोज में ले आए, तो आप देखें ये हमारे पास जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, इसका आपको यहाँ ग्रैंड टोटल 100% नजर आ रहा है, यानी आपके जो है अर्जेंटीना में एक्शन मूवीज 0% है, इसमें तो सिर्फ क्राइम मूवीज 100% है, कनाडा में 54% एक्शन है, 20% एडवेंचर है एंड सो ऑन, तो इंडिविजुअली आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉलम वाइज ये 100% नजर आए, यानी जितने भी ये कंट्रीज हैं इसमें कितने परसेंट है, तो आपने क्या करना होगा, आपने राइट क्लिक करना है, इस वक्त आपको रो वाइज नजर आ रहा है, राइट, शो वैल्यूज एज,
ये है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। आप कॉलम टोटल कर लेंगे तो हम नीचे जाके देखते हैं कि हमें कॉलम टोटल 100% नजर आएगा, जितनी भी कंट्रीज हैं उसका हमें 100% हो गया। एट अ टाइम एक काम हो सकता है, या तो आपको कॉलम वाइज 100% होगा या आपका रो वाइज होगा। अब आप रो वाइज देख लें, रो वाइज आपका 100% नहीं है। आप चाहते हैं कि रो वाइज आपने देखना है कि इंडिविजुअल कंट्रीज की ये मूवीज कैसे हैं। ये सिर्फ एक्शन मूवीज का, जितने भी कंट्रीज हैं एक्शन मूवीज का 100% है कॉलम वाइज, या एडवेंचर मूवी का। लेकिन इंडिविजुअली अगर आप देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर दीजिए, इसके बाद आपने ये करना है परसेंटेज ऑफ रो टोटल, और आपके पास अब रो आ जाएगा। लेकिन अब आपके पास कॉलम एट अ टाइम एक चीज को आप देख सकते हैं 100%। कितना सिंपल हो गया, प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए लेसन में, और बहुत